हुकूमत और नून लीग के दरमियान बयान देकर बयानियां बनाने की जंग जोर पकड़ती जा रही है, मगर अब ये जंग कारकर्दगी और करप्शन के केसेस तक महदूद नहीं रही है, बल्कि अब बयानियां इस गिर्द घूम रहा है कि कौन इदारों के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है और किसे इदारों की शफकत हासिल है। और ये सब 5 जनवरी को DGISPR के उस बयान के बाद हो रहा है जिसमें उन्होंने किसी भी किस्म की डील के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत ने पहले नून लीग के 4 सीनियर रहनुमाओं पर इल्जाम लगाया कि वो किसी से मिलने गए और नवाज शरीफ को माइनस करके वजारत उज़्मा के लिए अपना नाम पेश किया। वो अराकीन किससे मिलने गए थे, पहले हुकूमत इस हवाले से खामोश रही, मगर अब इशारा दे रही है और इल्जाम आयद कर रही है कि नून लीग के अराकीन किसी हाजिर सर्विस शख्सियत से मिलने गए। बाकायदा इशारतन ये तासर दिया जा रहा है कि उस गैर सियासी शख्स का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है। आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज़ गिल ने वादे तौर पर इशारा दिया कि पहले नून लीग के रहनुमा बुरा भला कहते रहे और जब काम नहीं बना तो फिर दोबारा पांव पड़ गए। साथ ही शहबाज़ गिल ने नून लीग के 4 अराकीन की ऑडियो जल्द सामने आने का दावा भी किया। सादिक साहब का वो स्टेटमेंट जो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट था वो आपको याद है? आपको स्टेटमेंट याद होगा, पावर टॉक्स टू पावर, गालियां दी गई, काम नहीं बना तो फिर दोबारा पांव पड़ गए। इस बार 4 की डील मांगी जा रही है, वो 4 तो मैंने अलग बता दिए जो अपनी काविश पे शुरू हो गए। मरियम साहबा को, नवाज शरीफ साहब को, हमजा को, शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, पार्टी पीछे से दूसरे लोग जो हैं वो रन करें। शायद खाकान अब्बासी साहब के भी बहके बहके बयान आ रहे हैं, इनकी भी ऑडियो आ रही है, इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के उत्ते टेक ओवर कर ली है। कह रहे हैं कि शरीफा नु छड़ो, सानू एक बारी ट्राई करो। तो ये सारे ही फनकार हैं, ये खुद ही राबता कर रहे हैं, दरमियान में बंदा डालने की बात नहीं, ये समझते, ये खुद ही बात करते हैं। डील का टायर पंक्चर हो गया है और पंक्चर किया किसने? इमरान खान ने। मगर अहम बात यह है कि फैसल वाउडा ने जिन अराकीन का नाम लिया उसमें शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, अयाज सादिक और मुफ्ता इस्माइल का नाम शामिल था। लेकिन जब फवाद चौधरी ने सबसे पहले इस हवाले से दावा किया था तो उन्होंने इशारा दिया था कि उन 4 अराकीन का ताल्लुक कौमी असेंबली से है और वो पहली सफ में बैठते हैं। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे, चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। मगर मिफ्ता इस्माइल जिनका नाम फैसल वाउडा ले रहे हैं वो तो रुकन असेंबली ही नहीं है। इसी तरह कल ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अली नवाज अवान ने नून लीग के 4 अरकान में से 2 का नाम लिया और कहा कि इन 4 लोगों में से 2 लोग ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी हैं। अच्छा, फवाद साहब ने कहा 4 लोग गए थे मिलने के लिए मियां साहब की पत्ता साफ करने पे, आप इस बात से प्रीवी हैं? पूरे शहर में ये बात है, 4 लोग आपको पता है कौन? मैं 2 के नाम ले देता हूँ, खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब। मगर फैसल वाउडा वाजे तौर पर कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ उन लोगों में शामिल ही नहीं है। यानी हुकूमती सतह पर यह बयानिया बयाया जा रहा है कि नून लीग के 4 अराकीन डील मांगने गए थे, मगर वो 4 अराकीन कौन थे, इस हवाले से हुकूमती अराकीन ने मिलकर 4 नामों पर खुद भी इत्तेफाक नहीं किया है। यानी हुकूमत डील से मुतालिक इल्जाम भी लगा रही है और जिन लोगों का नाम ले रही है उसमें भी हुकूमती अराकीन में कन्फ्यूजन पाई जाती है। आज इस पूरे मामले पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्दबल देते हुए कहा कि मुश्किलात के बावजूद नून लीग का कोई रुकन नहीं टूटा, मगर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन उन पर तनकीद करते रहे। बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है, हकीकत ये नहीं है? बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। हकीकत यह है कि इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है, वो खड़े होके आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये है हकीकत। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है, ये मीडिया पे मीडिया मीडिया खेलने से ये सब नहीं होगा, सब जानते हैं हकीकत क्या है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, तरीकाकार भी सामने आ जाएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ और इनके बुजुर्ग के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है कि
इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या महीनों के इंतजार है, हफ्तों का इंतजार है या सहमाई का इंतजार? मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। क्योंकि नून लीग के नायब सदर शायद खान अब्बासी ने आज फवाद चौधरी को चैलेंज करते हुए कहा कि जिस आम शख्सियत से मिलने गए थे पहले उनका नाम बता दें। पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कौन किसकी मुलाकात हुई है। जो आदमी अहम शख्सियत करे, इस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, भाई जरूरत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। मेरा चैलेंज है बताए ना आगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। अपोजिशन हुकूमत से सवाल कर रही है कि अगर नून लीग के अराकीन किसी से मिलने गए हैं तो शख्स का नाम बताते हैं। साथ ही अपोजिशन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में वजारत उज़्मा के चार उम्मीदवार पैदा हो गए हैं जो इमरान खान की जगह वजीर आजम बनना चाहते हैं। इससे पहले भी नून लीग पर इल्जाम लग रहा था कि वो इदारों के साथ कोई डील में मसरूफ है। इस हवाले से मुल्क में बहस छिड़ गई थी तो DGISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार ने किसी भी किस्म की डील के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया था और मौका इख्तियार किया था कि जो डील की बातें कर रहा है सवाल भी उनसे पूछा जाए कि कौन डील कर रहा है, सबूत क्या है। मगर DGISPR की वजाहत के बावजूद अब एक बार फिर हुकूमत ने यह बयानियां बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही नवाज शरीफ पर भी दबाव बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट और उनकी वतन वापसी के लिए उनकी तबियत का तयन करने के लिए हुकूमत पंजाब ने जो 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम किया था उस बोर्ड ने आज महकमा सेहत पंजाब को अपना जवाब जमा करा दिया है। जियो न्यूज के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दी गई दस्तावेजात मुकम्मल नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर राय नहीं दे सकते। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई, तहरीर के साथ किसी बैनुल अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं लगाई गई और नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स, दिल और दीगर अमराज की रिपोर्ट्स भी नहीं भेजी गई। इस सब पर नून लीग का भी और हुकूमत का भी मौकफ आपके सामने रखेंगे।